किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन की असली खुशी आपको तब मिलेगी जब आप गैरों से ज्यादा खुद पर यकीन करने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा हितैषी और आपका भला चाहने वाला कौन है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है विश्वासघात। मॉम, मैं सोच रही थी कि आज रात को मैं शिखा के घर ही रुक जाऊंगी। थोड़ा कंबाइंड स्टडी करनी है, वो परसों मैथ का टेस्ट है ना, उसी की तैयारी करनी है। किताबें समेटते हुए चारू बोलती जा रही थी। पर बेटा, रात को किसी के घर रुकना मुझे तो ठीक नहीं लगता। मॉम, नाराज होती हुई चारू ने कहा, देखो ना पापा, माँ जाने नहीं दे रही है। पापा माँ पर नाराज होते हुए बोले, अरे रुक जाने दो ना चारू को उसकी सहेली के घर, एक रात की ही तो बात है, अपने बच्चों पर विश्वास करना सीखो, जाओ बेटा जाओ। चारू ने पापा को थैंक्स कहा और अपनी स्कूटी से निकल गई। रात का 1 बजा था। फोन की घनघनाहट सुनकर वर्मा जी घबरा कर उठे। फोन पर आवाज आई, मिस्टर वर्मा, आप तुरंत थाना गांधीनगर आने का कष्ट करें। यह सुनकर वर्मा जी की सांसें गले में अटक गई। डर रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हुई हो। बेटी को तो कुछ बदहवास थाने पहुंचे, देखा 10-15 लड़के लड़कियां मुंह छिपाए बैठे थे। उनमें अपनी चारू को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी। देखिए वर्मा जी, ये बच्चे दिल्ली के बाहर एक फार्म हाउस में ड्रग्स के साथ पार्टी करते हुए पकड़े गए हैं। आप लोग न जाने अपने बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, न जाने इतनी रात गए घर से बाहर निकलने की परमिशन कैसे दे देते हैं आप लोगों को। शर्म आनी चाहिए। वर्मा जी का सिर शर्म से झुका जा रहा था। वो बस एक ही बात सोच रहे थे कि जब उन्होंने अपनी बेटी पर इतना विश्वास किया तो आखिर क्यों उनकी बेटी ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि इस दुनिया में कोई है जो आपका सबसे अधिक ध्यान रखता है, सबसे अधिक आपका भला चाहता है, तो वो आपके माता पिता हैं। वो आपको ऊपर से सख्त लग सकते हैं, पर उनके भीतर आपके लिए अपार प्रेम होता है और कभी भी आपको उस प्रेम का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। कभी भी आपको उनके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमारे माता पिता हमारी रक्षा भी करते हैं और हमें सही सलाह भी देते हैं, हमें बताते हैं कि सही मार्ग क्या है। इसलिए उन पर विश्वास करते रहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।